प्रदेश भर में आशा वर्कर राज्य सरकार से बिल्कुल निराश और नाराज हैं। इसी के चलते नू के अल आफियाज सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा प्रांगण में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए NHM कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी में आशा वर्कर को शामिल किए जाने की मांग को लेकर किया गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आशा वर्कर ने कहा कि कोरोना योद्धा के रूप में भी आशा वर्कर ने कोरोना काल में सराहनीय काम किए हैं। कई आशा वर्कर के संक्रमित हो जाने की वजह से जान भी चली गई थी, जिनको आज तक सरकार की तरफ से घोषित किया हुआ लाभ नहीं दिया गया है। बात में काम करना वैसे ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि लोगों को हमें समझाने में ही बहुत परेशानी होती है। और हमारे यहाँ हॉस्पिटल में हमारे साथ आने के बावजूद भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, हमें अलग से कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, ना हमारे यहाँ नाइट में रुकने के लिए कोई रूम है, कुछ है कि हम नाइट में डिलीवरी लेके आए हैं तो हमें कोई सुविधा मिले, हम रात में कहाँ जाएं मरीज को वहाँ एडमिट करके, हमें रात को कोई साधन नहीं, कहीं नहीं, हम कहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारे साथ अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लाइन में लगो उसी तरीके से मरीजों को दिखाओ। हमारी मांग यही है कि आज जो हम यहाँ पर आए हैं GH मांडीखेड़ा में, कि हमारी यही है कि जो NHM के लिए सरकार ने वेतन लागू किया है उसके साथ हमारा भी किया हुआ होता तो हमें गुस्सा नहीं आता। हमारा गुस्सा यही है कि हम कहने में तो उनके लिए रीढ़ की हड्डी है और उनके बाजू हैं, और फिर जब हमारा वेतन देने का वक्त आए तो वो हमें बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। और हमारे 2018 से लेकर ही जो हमारा वो 50% काट रखा है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जो हमने कोविड के दौरान धूप में, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में जो काम किया है, सारी दुनिया से तो ये कहा गया कि आप घरों में अंदर रहो, और हमने घर वाइज विजिट कर अपने एक एक मरीज को कि किसी को TB तो नहीं है, पीलिया तो नहीं है, गर्भवती में खून की कमी तो नहीं है, किशोरी में, बच्चों में, शिशु में, जब शिशु दर मृत्यु की बात आती है तो आशा वर्करों के आरोप दिया जाता है, और जब देने की बात आती है तो आशा वर्कर बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती हैं। सर, जो परेशानी है, जो मुख्यमंत्री ने हमारी घोषणा की थी 2 नवंबर ने NHM के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा, और NHM के अंदर काम करने वाली हमारी 20,115 आशा वर्करों का नाम तक भी नहीं लिया गया, और पिछले 2018 में आंदोलन के दौरान हमारे अप्रैल 2018 से जो 50% कटा हुआ है उसकी फाइल मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन थी, वो रिजेक्ट कर दी गई, और ₹1,000 जो हमें कोविड की सर्वे के पैसे मिलते थे वो हमारे सरकार ने काट दिए।